सीआईडी वाले कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। कोई हिलने की कोशिश नहीं करेगा, सीआईडी की टीम आ चुकी है। तो उनको अंदर भेजो फिर। हम ही है सीआईडी की टीम। क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? सीआईडी की टीम मैंने देखी, वो तो ऐसी है ही नहीं बिल्कुल। अरे वो तो पैंडेमिक के दौरान बहुत ज्यादा केसेस नहीं थे हमारे पास, तो घर पे बैठे बैठे खा खा के थोड़े से मोटे हो गए। तो इनके हिस्से का भी आपने खा लिया? ये दया मुझे लग ही नहीं रहा, दया पे मुझे दया आ रही है। हम आपसे बातें करने आए ही नहीं है, समझ रहे हैं आप? तो क्या करने आए फिर आप? ये चलते प्रोग्राम में उंगली करने हैं आप? दया, गौर से देखो। अजय जी, तबू जी, श्रेया जी, इशिता, मृणाल, सबके सब एक साथ आज यहाँ पर आकर बैठे हैं। इसका मतलब समझ रहे हो दया? इसका मतलब इन्होंने जो दृश्यम फिल्म की थी ना, उसका दूसरा पार्ट बना क्या है? नहीं दया नहीं, ये जरूर यहाँ दृश्यम 2 के लिए आए हैं। ये आप लोग तो सेम ही बात कर रहे हो दोनों। इनकी बात का मतलब समझे दया? हाँ सर, ये कपिल शर्मा बहुत समझदार आदमी है। नहीं, ये कहना चाह रहे हैं कि हम दोनों बहुत बेवकूफ हैं। यस सर। लेकिन ऐसा है नहीं। तबू जी, हम यहाँ पर आपके लिए आए हैं। ये केस सॉल्व करने के लिए आपने 2 फिल्में कर दी। हाँ। एक महीने का राशन हमारे घर पे भेज देते, हम सॉल्व कर देते ये केस। सर, मैं तो 2 फिल्मों में भी नहीं सॉल्व कर पा रही हूँ। केस सॉल्व करने के लिए इन्होंने अक्षय खन्ना को रखा हुआ है। हाँ। उन्हें राशन की क्या जरूरत पड़ गई, वो तो बहुत बड़े कलाकार हैं। वैसे तबू जी, मैं आपको बताऊं, पहली फिल्म में आप विजय सलगांवकर को क्यों नहीं पकड़ पाए? क्यों? जो आदमी 4-4 गोलमाल करके बैठा हो, उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है। जीनियस। दया, गोलमाल से मुझे याद आया। क्या हुआ सर? नहीं, गोलमाल का जोक याद आया ना, इसलिए। बहुत फनी थी गोलमाल। वैसे जोक से मुझे एक और बात याद आई। ये तुम दया हो, ये आलू है, अब तुम दयालु हो। oh God. सर, आपको शर्म आनी चाहिए। छोटा सा वर्ड प्ले करने के लिए सुबह से 1.25 किलो का आलू लेके घूम रहे हो आप सर। मैं आपके साथ काम नहीं। सर, क्या हुआ, पैर में चोट आई है? हाँ सर, वो आपने दरवाजा तोड़ने बोला था ना, वो टांग टूट गई। क्या हुआ, दरवाजा लोहे का था? नहीं नहीं, जिसका दरवाजा था उसके हाथ में लोहा था सर। अरे तुमने उसको बताया क्यों नहीं कि तुम मेरे साथ काम करते हो? सर बताया सर, इसलिए और मारा उसने सर। जरूर मेरा कोई पुराना दुश्मन होगा। हाँ सर, आपके पिताजी थे। ये बातें बाद में होती रहेंगी। इशिता दत्ता, हमने देखा है इस कहानी में जो कुछ भी हो रहा है आपकी वजह से हो रहा है। सही है सर, एक्चुअली फसाद की जड़। इसीलिए हम आपसे जानना चाहेंगे कि 14 फरवरी को आप कहाँ थी? नहीं सर, सर 2 अक्टूबर को कहाँ थी ये क्वेश्चन पूछ। 2 अक्टूबर को सब पता है। 2 अक्टूबर को इस सत्संग पे गए हुए थे, पंजी में स्वामी चिन्मयानंदी का सत्संग था, रास्ते में पाव भाजी खाई थी, एटीएम पे रुके, सबको पता है। हमें 14 फरवरी के बारे में जानना है, क्या है वो दिन? वैलेंटाइंस डे है, इससे पता चल जाएगा ये सिंगल हैं या नहीं है। शादीशुदा हूं मैं। शादीशुदा का मतलब समझ रहे हो दया? हाँ सर। मतलब इनका एक पति भी है? नहीं। एक ही सर। नहीं 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 सर, सही सही पकड़। नहीं सर, ये गलत बात है, ये किसी की पत्नी है। नहीं नहीं नहीं, क्या बात की है? ये भी तो हो सकता है दया कि ये एक दूसरे के पति पत्नी हो। सर ये पॉइंट किसी ने नोटिस नहीं किया सर। थैंक यू। इस बात के लिए तो भारत सरकार द्वारा आपको बुलडोजर के नीचे दे देना चाहिए। तबू जी, जैसा कि आप देख सकती हैं, ये केस 99% तो सॉल्व हो चुका है, बाकी बचा 1%। हमारे पास चश्मदीद गवाह भी है, विजय सलगांवकर को तो हम पकड़ के रहेंगे। गवाह आओ, सबके सामने बताओ उस रात तुमने क्या देखा। सर सर, मैंने देखा इनके हाथ में फावड़ा था।
यानी कि बात साफ है दया, जलेबी खा खा के ये बोर हो गए कि नमकीन खाने का मन किया तो इन्होंने फाफड़ा खरीदा। सर फाफड़ा नहीं सर, फावड़ा था। फावड़ा क्या होता है सर? जिसे इन्होंने गड्ढा खोद रहे थे। अच्छा, फावड़ा। फावड़ा गड्ढा खोद रहे थे। सर वहाँ पर एक बोरी भी रखी थी। बोरी रखी थी, इसका मतलब समझ रहे हो दया? यानी कि वो पानी भर के वहाँ पे मछलियाँ नहीं पालना चाह रहे थे, बोरी में अनाज था, बीज था, बीज को वो बोकर वहाँ पर फसल उगाना चाह रहे थे। यानी कि विजय सलगांवकर खेती का भी शौक रखते है। अरे क्या करे सर, उसमें बीज नहीं था, ये घबराए हुए थे। मुझे लगता है बोरी में इंसान था। इंसान था बोरी में, इसका मतलब समझ रहे हो दया? यानी कि वो इंसान बोरी में छिप के बीज चुरा रहा था। ये केस आईने की तरह साफ है, हम यहाँ पर किसी कातिल को ढूंढ ही नहीं रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं बीज चोर को। अरे वो बीज चोर नहीं है सर, ये क्लियरली बोल रहा है सर, वो बोरी में लाश को दफना रहा था, लाश इनके बेटे की थी और वो खड्डा खोद के डाल रहा था। सर आप समझ नहीं रहे सर। फिर तुमने क्या देखा, उसके बाद क्या देखा? सर उसके बाद मैंने देखा इंटरवल हो गया। इंटरवल हो इंटरवेल हो गया मतलब? ये सब तुमने कहाँ देखा? ए सर मैंने दृश्यम फिल्म में देखा। और सर क्या मस्त फिल्म थी सर, सेकेंड पार्ट आ रहा है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख के मैं बता दूंगा इन्होंने आगे क्या किया। फर्स्ट पार्ट तो तुमने देख लिया। हाँ सर। सेकेंड तक शायद तुम पहुंच ना पाओगे। दया आज तक दरवाजा तोड़ा है ना, फॉर अ चेंज आज एक मुंह तोड़ो। नहीं सर। नहीं तोड़ो। एक्सक्यूज मी, हमको एक मिनट। वाह भैया, हे राजू, ये यहाँ मेरा फेरी से डायरेक्ट कपिल शर्मा शो में आ गया क्या? अरे वो तो ठीक कर रहे हैं सुनील सर, लेकिन यहाँ पे इतना अंधेरा क्यों है? अरे लाइट चली गई क्या? ओ बाबू भैया हेलो, इधर आओ। लाइट नहीं गई है, अपना हेडलाइट लगाओ बराबर से। क्या बात है? सो गुड बाबू भैया, उधर देखो कपिल शर्मा। देवा रे देवा, ये कपिल शर्मा एकदम अजय देवगन जैसा दिख रहा। हेलो बाबू भैया, वो अजय देवगन ही है, उधर देखो, उधर उधर। देवा रे देवा, ये तो डिट्टो कपिल शर्मा जैसा दिख रहा है बाबा। हाय भाई चार। बाटली रे बाटली। बाबू भैया बाटली नहीं, वो अर्चना जी है, अर्चना जी। मालूम है रे बाबा, बाटली उसका कुर्सी का नीचे। दोस्तों मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, एक समय होता था जब इस कुर्सी के नीचे शेयर होते थे, लेकिन अब इस कुर्सी के नीचे चीयर्स होता है। चीयर्स। हे बाबू भैया, हे राजू, पहचाना? अरे अनुराधा आई है, मेरी अनुराधा। अनुराधा चश्मा निकल गया, पहचाना मुझे? मैं लड़का पा पा पा, तू लड़की पा पा पा, हम दोनों मिले पा पा पा। राजू मूली का पराठा मैं खाया था, ये इतना पौ 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 काय को कर रहा है? अरे वो बात नहीं है बाबू भैया, ये इनका गाना था, मैं लड़का पौ पौ पौ, तू लड़की पौ पौ पौ, और ऐसा गाना अजय साहब का भी था, सनफ सदार में पौ पौ पौ, तो उस प्रकार से गाना है। नहीं 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 राजू, तुम गलती कर रहे हो, वो अजय वाला पौ पौ था, लेकिन ये मैं लड़का पौ पौ पौ, तू लड़की पौ पौ, हम दोनों मिले पौ पौ, ये पौ पौ। श्याम एक बात कैसी है कि दोनों गानों में पौ 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 आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अरे तू समझ नहीं रहा, मैं लड़का पौ पौ पौ, तू लड़की पौ पौ, हम दोनों मिले पौ पौ, वो अन्ना और अनुराधा वाला पौ पौ, अजय वाला पौ पौ। भगवान कौन समझा, आप थोड़ा समझाइए इसको।
थोड़ा समझाइए। राजू किससे बात कर रहा है? अरे आपने सुना नहीं, ये हमेशा कहता ना, धरती मेरी माँ है, धरती मेरी माँ। तेरे को अक्कल नहीं है, छोटी बच्ची है क्या? गलत बात है बाबू भैया, इस बार इसे लीजिए राजू से, मैंने पिछले महीने दोनों किराए निकालो। हाँ, किराए निकालो। किराए की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरे पास में एक स्कीम है, 25 दिन में पैसा डबल हो जाता है। मैं आप लोगों के पैसे डबल करवा देता हूँ, चिंता मत करो। बाबू भैया इसकी बातों में मत आना, ये आपको वो बना देगा। वो क्या? वो वही जो मौका मिलने पर एक आदमी दूसरे आदमी को बना देता है। हाँ। या राजू, तू मेरे को वो बना रहा है? हाँ, वो बनाऊंगा, क्योंकि यही तो राजू का स्टाइल है। ये क्या क्या? ये बाबूराव का स्टाइल है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.